क्यों नहीं बिजली सस्ती देने के लिए बिहार सरकार अपने बिजली बनाने का काम करती है? क्यों अपना जो बिजली का बनाने का कारखाना था उसको केंद्र सरकार को दे दिया? मैं सरकार से मांग करूंगा कि उसको अपने अंडर में ले और सस्ती बिजली पैदा करे। जो बिहार में सबसे ज्यादा मांगी बिजली, आज पूरे देश के सभी राज्यों से मांगा बिजली बिल हमारे यहाँ के लोग देते हैं, लगभग 30% उसमें हटाया जाए। और स्मार्ट मीटर के नाम पर जो अनाप शनाप आप देख रहे होंगे कि गांव में लगभग सब लोग स्मार्ट मीटर में जो भारी गड़बड़ी आ रही है उसके लिए दर दर की ठोकर खा रहे हैं। जिसका बिजली का बिल 200-300 आता था उसका हजारों में आ रहा है, लेकिन बिहार सरकार के अधिकारी कहीं उसका निदान। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का कहना कि किस मजबूरी में आप सबसे मांगा, क्यों नहीं और सब राज्य लगभग 2-3 रुपया के बीच बिजली खरीदता है, आप क्यों 5.28 रुपया खरीदते हैं? इस पर भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का पूछ है कि क्यों आप महंगी बिजली खरीदते हैं। लॉ एंड ऑर्डर ध्वस्त हो गया, कर्फ्यू लगा हुआ है, कहीं कुछ है, सरकार उसको उजागर नहीं कर रही है। ये बड़ा दुर्भाग्य है। हमारे नेता पहले से कहते आ रहे हैं कि बिहार में कानून व्यवस्था ध्वस्त है और बिहार में राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए हम लोग राजभवन में गए हैं अपने नेता के आदरणीय चिराग पासवान जी के नेतृत्व में। आज पुनः पार्टी गिरती हुई कानून व्यवस्था को देखते हुए भारत सरकार से मांग करेगी कि बिहार में राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। जो बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट विजन में हम लोग सुझाव भी दिए थे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा नीतीश कुमार जी को और बिजली मंत्री को सुझाव भी दिए थे, लेकिन सुझाव पर भी नज़रअंदाज सरकार कर रही है। ट्रांसमिशन खर्चा, आपको जानकारी मैं देना चाहता हूं कि ट्रांसमिशन खर्चा बिहार में 45% है। सभी मीडिया के जो साथी आए हैं मैं उनका धन्यवाद करता हूं और आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं उनका स्वागत करता हूं। आज हमारी पार्टी के लिए विशेष दिन है और विशेष रूप से मैं बिहार के मुखिया नीतीश कुमार जी को बधाई देता हूं कि जो हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी ने जो आशंका जाहिर की थी कि बिजली के बिल में भारी बढ़ोतरी करने की सरकार की जो नियत थी वो सामने भी आया आप लोगों के बीच, जिसको मुख्यमंत्री ने सदन में स्वीकार किया और सब्सिडी के माध्यम से जो बिहार में 24% बिजली की बढ़ोतरी का जो सरकार की सोच थी, पार्टी का जो जिला स्तर पे आंदोलन हुआ था 2-3 बिंदुओं पर, लेकिन उसमें मुख्यमंत्री को धन्यवाद देती है हमारी पार्टी, हमारे नेता की सोच, जो हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी का आशंका थी और जो हमारे नेता के नेतृत्व में आंदोलन हुआ था उसके सामने झुके, उन्होंने हमारे नेता के सोच को स्वीकार किया और सब्सिडी के ही माध्यम से क्यों ना हो उन्होंने बिजली की बिल की बढ़ोतरी वापस की। लेकिन अभी हमारी पार्टी लगभग 2-3 मुद्दों पर इनके आंदोलन के लिए अभी हम बाध्य हैं और हम लोग जो 9 और 10 को आंदोलन करने वाले थे उसको अभी हम लोग नया सिरे से एक डेट मुकर्रर करेंगे और हमारे पार्टी के और बड़े नेताओं के बीच चर्चा हुई कि 150 यूनिट लगभग हम लोग को जो मुफ्त बिजली बीपीएल परिवारों के देने की बात पार्टी ने की थी उसकी मांग, और जो बिहार में सबसे ज़्यादा महंगी बिजली, आज पूरे देश के सभी राज्यों से महंगा बिजली बिल हमारे यहाँ के लोग देते हैं, लगभग 30% उसमें घटाया जाए। और स्मार्ट मीटर के नाम पर जो अनाप शनाप आप देख रहे होंगे कि गांव में लगभग सब लोग स्मार्ट मीटर में जो भारी गड़बड़ी आ रही है उसके लिए दर दर की ठोकर खा रहे हैं। जिसका बिजली का बिल 200-300 आता था उसका हजारों में आ रहा है, लेकिन बिहार सरकार के अधिकारी कहीं उसका निदान नहीं कर पा रहे हैं। ये दुर्भाग्य है, इसके लिए भी हमारी पार्टी एक डेट मुकर्रर करेगी, इसके लिए भी आंदोलन का बात है हम लोग करेंगे, सरकार को इसमें भी झुकाने का काम हम लोग करेंगे आंदोलन के तहत।
बिहार विधानसभा में नीतीश कुमार खड़े होकर के जिस तरह से बोल रहे थे उस दिन सदन में, आप लोगों ने देखा होगा मीडिया के साथियों ने, कि हम सबसे ज्यादा महंगा बिजली खरीदते हैं। ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का कहना कि किस मजबूरी में आप सबसे मांगा, क्यों नहीं और सब राज्य लगभग 2 रुपया 3 रुपया के बीच बिजली खरीदता है, आप क्यों 5 रुपया 28 पैसा खरीदते हैं। इस पर भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का सोच है कि क्यों आप महंगी बिजली खरीदते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमेशा उनको आगाह करते हैं और अपनी जो बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट विजन में हम लोग सुझाव भी दिए थे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा नीतीश कुमार जी को और बिजली मंत्री को सुझाव भी दिए थे, लेकिन सुझाव पर भी नज़रअंदाज सरकार कर रही है। ट्रांसमिशन खर्चा आपको जानकारी मैं देना चाहता हूं कि ट्रांसमिशन खर्चा बिहार में 45% है। जो नीतीश कुमार जी कहते हैं कि जंगल राज के बाद उन्होंने बिजली का ट्रांसमिशन का जाल बैठाया, घर घर बिजली पहुंचाया, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मानक 8% होता है और राष्ट्रीय मानक लगभग 15% होता है कि बिजली का ट्रांसमिशन में जो यहाँ से वहाँ बिजली ले जाने में उनको खर्चा होता है, लेकिन हमारे बिहार एक ऐसा राज्य है जिसमें 45% ट्रांसमिशन में लॉस हो रहा है, 45%। ये बड़ी सोचने की बात है। अगर हम लोग मानक इसका ट्रांसमिशन लॉस घटा देते हैं, उसी जो हमारा ट्रांसमिशन लॉस होता है उसको अगर हम कम करेंगे तो उसी में हम लोग बीपीएल परिवार को लगभग 150 यूनिट दे सकते हैं और 30% बिजली के बिल सस्ता भी हम कर सकते हैं। तो सरकार को हमारे नेता ने भी सुझाव दिया था कि ट्रांसमिशन लॉस घटाने के लिए सरकार काम करे, लेकिन सरकार अधिकारियों के आगे नतमस्तक है, इस पर ध्यान नहीं जा रहा है। ये बड़ा दुर्भाग्य है और बिहार के लोग बिजली का बिल सबसे महंगा देने के लिए बाध्य हैं। इसी क्रम में मैं आपको बताना चाहता हूँ 13,000 करोड़ ट्रांसमिशन से, आपको मैं बता रहा हूँ लगभग 13,000 करोड़ पैसा जो जनता का पैसा है ये बिजली ट्रांसमिशन मतलब लॉस में लुटवा रही है। और इसी ट्रांसमिशन लॉस का जो रिकवर कम करने की हमारे नेता की सोच है वो उस पर सरकार कोई काम नहीं कर रही है। और बिहार में एक चीज और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, पूर्व में जितने भी बिहार सरकार के थर्मल पावर थे, पुराना जो भी थर्मल पावर था बिहार सरकार उसको केंद्र को दे दिया है संचालित करने के लिए। क्यों नहीं बिजली सस्ती देने के लिए बिहार सरकार अपने बिजली बनाने का काम करती है, क्यों अपना जो बिजली का बनाने का कारखाना था उसको केंद्र सरकार को दे दिया है। मैं सरकार से मांग करूंगा कि उसको अपने अंडर में ले और सस्ती बिजली पैदा करे। सब लोग बिजली, जब तक आप बिजली अपने आप पैदा नहीं करेंगे, पन बिजली हुआ कई तरह से जब भी, तो सरकार सिर्फ सबसे महंगा बिजली खरीद करके सबसे महंगा बिजली बेचने के काम में लगी हुई है। और इसमें बहुत सारा कमियां हैं जिसको हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आप लोगों के बीच रख चुके हैं। तो चलिए कम से कम एक बिजली की बिल जो बढ़ाने वाला मैटर था जो 24.1%, उस पर कम से कम सरकार, हमारे नेता हमारे आंदोलन के आगे नतमस्तक हुई और बिहार में कम से कम नीतीश कुमार जी सब्सिडी के ही माध्यम से नहीं बढ़ाने का फैसला लिए, हमारे नेता के सोच के आगे अपने हमारे नेता के आंदोलन के आगे अपने आप के घुटना जो टेके, उसके लिए मैं अपनी पार्टी के तरफ से नीतीश कुमार जी को बधाई देता हूँ। बाकी और कुछ आप लोग, और एक चीज और आखिरी मैं कहना चाहता हूँ, बिजली विभाग से अलग एक कि जिस हिसाब से कानून व्यवस्था ध्वस्त है आप देखे होंगे, भारत के गृह मंत्री यहाँ पे आने वाले हैं, लेकिन रामनवमी में जिस तरह से लगभग कई शहरों में लॉ एंड ऑर्डर ध्वस्त हो गया, कर्फ्यू लगा हुआ है, कहीं कुछ है सरकार उसको उजागर नहीं कर रही है, ये बड़ा दुर्भाग्य है। हमारे नेता पहले से कहते आ रहे हैं कि बिहार में कानून व्यवस्था ध्वस्त है और बिहार में राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए हम लोग राजभवन में गए हैं अपने नेता के आदरणीय चिराग पासवान जी के नेतृत्व में। आज पुनः पार्टी गिरती हुई कानून व्यवस्था को देखते हुए भारत सरकार से मांग करेगी कि बिहार में राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। और कुछ आप लोगों को
पूछना है तो बताइए साथियों। आप लोग आंदोलन जो करेंगे क्या उसमें प्रत्येक परिवार को जिस तरह से दिल्ली में मुफ्त बिजली मिलता है क्या बिहार में की मांग रहेगी? हमारे मांग में महत्वपूर्ण था, हम लोग चाहते हैं कि 150 यूनिट बीपीएल परिवार को मुफ्त मिले। हमारे मांग में भी था किसान जो है यहाँ पर सबसे ज्यादा किसान जो यहाँ के हैं तो किसानों को भी मुफ्त बिजली देने के लिए हमारे नेता की सोच है। और जो बिजली बढ़ा है ये बड़ा दुर्भाग्य है कि सबसे गरीब राज्य होने के बावजूद भी सबसे महंगा बिजली हम लोग क्यों देंगे, बिल क्यों देंगे? सारी लगभग गांव के लोग त्रस्त हैं इससे। हमारी मांग ये भी है कि 30% बिजली घटावे सरकार, और इसके लिए हम लोग नया रूप देकर के हम लोग फिर आंदोलन की आपको बताएंगे कौन से डेट से हम आंदोलन करेंगे। जैसा कहा गया है कि 300 यूनिट शहर में और 200 यूनिट शायद गांव में, इतना 300 यूनिट बिजली का बिल आएगा तभी आपको उस पर सब्सिडी मिलेगी, ज्यादा बढ़ जाएगा दिल्ली जैसा नहीं मिलेगा, 100 यूनिट से बढ़ जाएगा बिजली का बिल देना पड़ेगा। देखिए सब्सिडी का खेल बहुत यहाँ हो रहा है, आपको मैं बता दूं कि जिस हिसाब से बोले ना मुख्यमंत्री जी अभी जो बिजली बढ़ने वाला था उसको सब्सिडी देंगे, वो तो भार हम ही लोगों पे पड़ा ना, कोई उनका पैसा तो है नहीं, तो हम ही लोगों का पैसा को सब्सिडी रूप में दे करके अब बोल रहे कि नहीं बिजली बढ़ाएंगे, लेकिन ये कब तक, फिर अगले साल यही वो भार बढ़ता रहेगा। तो हम अपने खर्चे को जो आप 45% खर्चा कर रहे हैं बेवजह, जो तार ट्रांसमिशन लाइन में जाता है इसको क्यों नहीं घटाने पर सरकार काम कर रही है? आपका जो सवाल